नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एरियाज़ की जो टेबल है यानी कि फर्स्ट वॉल्यूम की सेकंड टेबल जो है उसके अंदर में क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती है, कैसे कैसे इनके जो टाइटल हैं उनका कोड बनाया जाता है, किस तरह से इनकी जो कोड बनाने के बाद इनके अंदर कोई हमें अगर इंस्ट्रक्शन दिया गया है, कोई निर्देश दिया गया है तो उनको फॉलो कैसे किया जाता है, या उनके अंदर जो भी हैं कोड दिए गए हैं उनको कैसे लगाया जाता है, अलग अलग कोड को अलग अलग जगह पे कैसे पुट किया जाता है। तो हम इसके साथ में आपको हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन तीनों वॉल्यूम के फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों वॉल्यूम के जो लिंक हैं PDF के वो दे दिए जाएंगे। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में मैं आपको दिखा दूं कि ये हमारी एरिया की टेबल शुरू हो गई है। यहाँ पे हम देखें सबसे ऊपर तो हमें यहाँ पे समरी दी गई है। समरी के अंदर सबसे पहले जैसे हम देखें तो सारा कुछ हमें दिया गया है, एक से लेके नौ तक हमें चीज़ें दी गई है। एक से लेके नौ तक जितनी भी जगहें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं सारी दी गई है। उसके अंदर हम देखें सबसे पहले हमें प्लेसेस इन जनरल दिए गए, मतलब कि जनरल प्लेसेस दिया गया है। जनरल प्लेसेस में जो भी कुछ आता है वो सारा कुछ दे दिया गया है। उसके नीचे हम दूसरे नंबर पर देखें तो हमें पर्सन रिगार्डिंग ऑफ एरियाज या प्लेसेस दिया गया। उसके नीचे हमें द साइंट वर्ल्ड यानी कि पूरे अन्य वर्ल्ड के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो दी गई है। उसके नीचे फोर पे हमें यूरोप, वेस्ट यूरोप दिया गया यानी कि यूरोप के अंदर वेस्ट यूरोप और यूरोप दोनों दिया गया। उसके बाद में हम देखें यहाँ तो हमें जो है पाँच नंबर पे एशिया दिया गया है। एशिया के अंदर मतलब जो भी चीज़ें आएंगी वो सारा कुछ दिया गया। उसके बाद अफ्रीका दिया गया है, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका है या साउथ अमेरिका है, इस तरह काफ़ी कुछ हमें इसके बारे में जितनी भी जगहें हैं वो सारा कुछ जगहें सारी दी गई है। नॉर्थ इंडिया जैसे, नॉर्थ अमेरिका जैसे, उत्तरी अमेरिका हो गया या दक्षिणी अमेरिका हो गया। लास्ट में नौ नंबर पर हमें अन्य जो भी जगहें हैं जो वर्ल्ड की अंदर अन्य जगहें हैं, जैसे इसमें दिया गया है कि अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड यानी कि अन्य जगहें, वो सारा कुछ हमें दिया गया है। इसके बाद हम देखें तो यहाँ पे हमें वन पे जो है जनरल प्लेसेस के बारे में सारी डिटेल दी गई है। जनरल प्लेसेस में क्या क्या आता है वो सारा कुछ दिया गया है, उनको कैसे डिफाइन किया गया है, क्या क्या चीज़ें इसमें सारा कुछ दिया गया है, वो हम आगे इसके अंदर पढ़ेंगे कि हमें क्या क्या दिए गए। इसमें जैसे लिखा हुआ है एरिया, रीजन, प्लेसेस इन जनरल यानी कि जनरल प्लेसेस जो भी होते हैं वो सारा कुछ इसके अंदर हमें दिया गया है, वो सारा कुछ हम इसके अंदर पढ़ेंगे। इसको जैसे नौ भागों में या दस भागों, नौ से दस भागों में इसे बांटा गया है। जितनी भी मैंने ऊपर समरी में एक से नौ तक आपको चीज़ें बताई गई हैं उसके अंदर सभी को एक से नौ तक या एक से दस तक अलग अलग डिवीज़न में बांटी गई है। उसके बाद हम देखें यहाँ पे वन वन जो दिया गया है हमें सबसे ऊपर, यहाँ पे फर्स्ट वन तो जो है वो है वो जनरल प्लेसेस का है। उसके बाद जो सेकंड वन है वो हमें दिया गया है फ्रीज जोन, फ्रीज जोन यानी कि ठंडी जगहें जो हैं वो दी गई है। उसके बाद 12 नंबर पे हमें टेम्परेट जोन दिए गए हैं। 13 नंबर पर हमें मतलब कि 13 नंबर पर हमें टॉरिड जोन दिए गए हैं। उसके बाद 14 पर लैंड एंड लैंड फॉर्म्स दी गई है। उसके बाद हम देखें तो 15 पर हमें रीजन बाय टाइप ऑफ वेजिटेशन दिया गया है। इसके बाद 16 पे हमें एयर एंड वाटर दिया गया है। नीचे हम थोड़ा देखें तो हमें 11 पे फ्रीज जोन के अंदर नॉर्थ और साउथ दो जगह अलग अलग जगह दिए गए हैं, इनको अलग अलग जगहों में डिफाइन किया गया है, उत्तर और दक्षिण। उसके बाद 12 पे हमें टेम्परेट जोन दिया गया है, टेम्परेट जोन के अंदर हमें नॉर्थ और साउथ दिया गया है। यहाँ हम अगर आगे देखें टेम्परेट जोन के अंदर आगे तो हमें 13 पर जो है टोरिड जोन दिया गया है। इसको किसी भी तरह से डिफाइन नहीं किया गया, ये एक ही है। उसके बाद 14 पे हमें लैंड एंड लैंड फॉर्म दिया गया है। उसके अंदर हमें अलग अलग चीज़ें दी गई है, जैसे 14 के बाद हमें 141 दिया गया है। इसके अंदर 142 पे हमें जैसे आइसलैंड दे दिया गया है, या 143 पर हमें एलिवेशन दे दिया गया है। इसके बाद 144 आ गया, उसके बाद 1545 आ गया, 146 आ गया, 148 पर हमें सोइल दिया गया है। इसी तरह हमें काफ़ी चीज़ें दी गई है। हम नीचे आके देखें तो जैसे 15 आ गया, उसके बाद 16 है, 16 के अंदर हमें समरी दी गई है 16 की, जैसे वो 161 से शुरू है। यहाँ पे हमें एटमॉस्फेयर दे दिया गया है। 162 देखें तो यहाँ पे हमें ओशन एंड सीज दे दिया गया है। 16 देखें तो हमें अटलांटिक ओशन दे दिया गया है। 164 पर हमें पैसिफिक ओशन दिया गया है, उसके बाद इंडियन ओशन आ गया है। ये जो जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी एयर एंड वाटर की समरी है। ये सारी जो समरी है वो एयर एंड वाटर यानी कि 16 जो हमें कोड दिया गया है उसी को आगे डिफाइन करके दिया गया है। जो भी ये सारा कुछ दिया गया है, एटमॉस्फेयर, ओशन, सीज, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन,
उसके बाद अंटार्कटिक वाटर्स आ गया, जितनी भी चीज़ें, उसके आगे हम अगर 161 एटमोसफेयर देखें तो उसमें हमें आगे तीन चीज़ें दी गई है, 1612 है, 1613 है, 1614 है। उसके बाद हमें 162 में ओशन एंड सीज दे दिया गया है, उसमें भी हमें अलग अलग इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं कि आपको इनके कोड जो है वो कैसे लगाने हैं। यहाँ पे जैसे हमें दे दिया गया क्लास ओशन एंड सीज बेसिस इन 182, यानी कि 182 में हम जाएंगे तो हमें ये चीज़ें मिलेगी। उसके बाद 4 अटलांटिक ओशन के में हमें 163 दे दिया गया, 164 आगे दे दिया गया, 163 में अटलांटिक ओशन आ गया, उसमें 1631 पर हमें नॉर्थ अटलांटिक दे दिया गया, नॉर्थ पोरल सीज दे दिया, नॉर्थ ईस्ट अटलांटिक, नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक, साउथ अटलांटिक दे दिया गया। इस तरह से अलग अलग दिशाओं के हिसाब से हमें इनको सबको बांट दिया गया। आगे हम जैसे 163 आ गया, 1633 आ गया, 1634 आ गया, इस तरह से हमें काफ़ी चीज़ें इसके अंदर सारा कुछ जितना भी ओशन और अटलांटिक ओशन में के अंदर जो भी चीज़ें आती है वो सारी इसके अंदर हमें दी गई है। हम देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग में देखें तो हमें 1 दिया गया है। 1 का मतलब है कि ये जनरल प्लेसेस के अंदर ही आ रहा है सब कुछ, यानी कि 1 के बाद जो 2 आएगा वो 2 नहीं है, ये सारा जनरल प्लेसेस है। इसमें जैसे 164 पर पैसिफिक ओशन है तो इसमें हम साउथ ईस्ट दे दिया गया, ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ है, इस तरह से अलग अलग चीज़ें दे दी गई। उसके बाद हम देखें तो ये भी हमारी जैसे जो है जनरल प्लेसेस के अंदर ही आ रहा है। ये 17 जो हमारा शुरू हो गया है, 17 की समरी दी गई है यहाँ पे। समरी के अंदर 17 को जो है डिफाइन करके अच्छी तरह सारा कुछ इसके बारे में बताया गया है। यहाँ पे जैसे बाय पॉलिटिकल ओरिएंटेशन दे दिया गया है या बाय डिग्री दे दिया गया है, मतलब कि अलग अलग जो है रीजन, अलग अलग जगहों को अलग अलग तरह से बताया गया है यहाँ पे 1617 में। उसके बाद यहाँ हम देखें तो हमें 173 है, 172 देखें पहले तो यहाँ पे दिया गया बाय डिग्री ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। यहाँ पे हाई, मीडियम और लो दिया गया है, हाई मीडियम और लो तीन कैटेगरी में इनको डिवाइड कर दिया गया है। उसके बाद हम देखें तो 173 पर हमें बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन दे दिया गया है, यहाँ पे अर्बन, सरबन, अर्बन और रूरल दे दिया गया, यानी कि शहरी, ग्रामीण और सब अर्बन जो होते हैं बीच के, मतलब शहरी और ग्रामीण के बीच में वो दे दिए गए। उसके बाद एरिया में हम 2 नंबर पर देखें तो हमें पर्सन दिया गया है यहाँ पे, अलग अलग एरिया, रीजन और प्लेसेस के अकॉर्डिंग। ये छोटा सा ही पार्ट है जो हमारा 2 पार्ट है, इसमें तीन चीज़ें दी गई है। 2 पे हमें कलेक्टेड दिया गया है, 2-4 पे हमें इंडिविजुअल, 2-6 पे हमें केस हिस्टोरीज दी गई है। उसके आगे हमें 3 से 9 तक बताया गया है कि यहाँ पे स्पेसिफिक जो है कंट्रीज आएंगी, लोकेलिटी आएगी, इस तरह की चीज़ें आएंगी। उसके बाद हमें 3 नंबर पे दिया गया है द असाइंड वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड के बारे में बताया गया है यहाँ पे। 3-1 पे हमें जैसे चाइना आ गया है, 3-2 पे हमें इजिप्ट आ गया है। तो ये सारी समरी जो हमें दी गई है वो 3 नंबर की है, द असाइंड वर्ल्ड की, ये सारी समरी दी गई है असाइंड वर्ल्ड की। इसी तरह 1 से लेके 3 जो 9 तक मैंने आपको चीज़ें बताई थी, लास्ट में हमें जो है अदर प्लेसेस दिए गए थे पूरे वर्ल्ड के, सभी की अलग अलग समरी दी गई है, अलग अलग कोड दिए गए हैं, अलग अलग डिवाइड किया गया उनको जगहों को अलग अलग चीज़ों के हिसाब से। इसमें हम आगे चलेंगे वीडियो में। यहाँ पे हम टाइटल करके देख लेते हैं, टाइटल जो है हमारा एरिया का टाइटल हम करके देखेंगे किस तरह इसके कोड बनाए जाते हैं। यहाँ हमें का टाइटल नंबर 1 दिया गया है हायर एजुकेशन इन जापान। तो हायर एजुकेशन इन जापान में हम देखें तो हमें 2 वर्ड दिए गए हैं, हायर एजुकेशन और जापान। ये जो जापान वर्ड है ये हमारा एरिया के अंदर आएगा, यानी कि हम एरिया के अंदर से इसका कोड लाएंगे। इसके बाद हायर एजुकेशन है, इसको हम हमारे जो वॉल्यूम है, जो थर्ड वॉल्यूम है उसमें देखेंगे, जो हमारा थर्ड वॉल्यूम है ए से जेड तक सारे वर्ड दिए गए हैं उनको देखेंगे। यहाँ हम सिर्फ एजुकेशन वर्ड भी देख सकते हैं, हायर एजुकेशन सीधा देख सकते हैं, एजुकेशन के अंदर हायर एजुकेशन देख सकते हैं या फिर हायर के अंदर एजुकेशन वर्ड देख सकते हैं, दोनों से ही हमें जो है इसका कोड मिल जाएगा। उसके बाद हम सेकंड टेबल में जाएंगे और वहाँ देखेंगे कि यहाँ पे हमें कोई भी निर्देश दिया गया है या नहीं दिया गया, निर्देश में क्या कहा जाता है वो हम लगा देंगे, उसके साथ में जापान का कोड लगा देंगे एरिया में से ला के। इसके बाद हम यहाँ टेबल में पहुँच चुके हैं, यहाँ पे हमें 5-2 पर जापान दिया गया है, हमारा जो हमारा एरिया की टेबल है सेकंड टेबल, वहाँ जापान दिया गया है, उसका कोड हम जापान का लेके हम 5-2 जो है वो लगा देंगे।
उसके बाद हम यहाँ देखें तो हमें यहाँ हायर वर्ड दिया गया है, जो हमारी थर्ड वॉल्यूम है उसके अंदर हायर वर्ड के अंदर हम नीचे अगर चलें तो हम देखेंगे यहाँ पे हमें हायर के अंदर एजुकेशन वर्ड कहीं मिलता है या नहीं। तो हम थोड़ा नीचे आके देखें हायर के अंदर ही, ये हायर जो एच से शुरू होगा ये स्पेलिंग आपको सही देखनी है, उसके नीचे हम देखेंगे एजुकेशन पे हमें दिया गया है 378 कोड दिया गया है, यानी कि हायर एजुकेशन का जो कोड है वो आ गया है हमारा 378 जो है हायर का, हायर एजुकेशन का कोड आ गया। ये हमारे हम टाइटल में लिख देंगे सीधा हायर एजुकेशन का, जैसे 378 लिख देंगे, उसके बाद जो जापान का कोड था वो हम कोड लिख देंगे। तो टाइटल में चलते हैं, यहाँ पे टाइटल सॉरी पहले हम यहाँ हायर एजुकेशन को सेकंड नंबर टेबल में देखेंगे, हम चेक करेंगे कि कोई निर्देश दिया गया है या नहीं दिया गया। तो यहाँ पे हमें किसी तरह का कोई निर्देश नहीं दिया गया है, 378 पर सीधा सीधा हमें हायर एजुकेशन दे दिया गया है, हायर एजुकेशन का कोड जो है हम सीधा वहाँ हमारे टाइटल में लगा देंगे। इसके बाद हम टाइटल में पहुंच चुके हैं, यहाँ हम जापान का कोड जो है वो लगा देंगे, जैसे हमारा 378 जो हायर एजुकेशन का आ गया, 52 जो है जापान का आ गया। लेकिन हम यहाँ देखेंगे कि पहले कौन सा आएगा और बाद में कौन सा आएगा। तो यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जैसे इनके आगे डैश लगा हुआ था, कि इनके आगे एरिया में जितने भी कोड है सबके आगे डैश लगा हुआ था, तो डैश का मतलब है कि इनके आगे, इनसे पहले कोई ना कोई हमें कोड लगाना होगा, सीधा ये कोड नहीं लगेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 378, उसके बाद हम डॉट लगाएंगे जो कि मैंने फॉर्मूला आपको पहले बताया हुआ है, उसके बाद लिखेंगे जापान का कोड 52, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 378.52 हायर एजुकेशन इन जापान का। उसके बाद हम सेकंड नंबर टेबल कर लेते हैं, जनरल लाइब्रेरीज ऑफ यूएसए, तो यहाँ पे दो वर्ड दिए गए हमें, एक यूएसए और एक है जनरल लाइब्रेरीज। तो जनरल लाइब्रेरीज़ को भी हम दो तरीके से देख सकते हैं, एक तो सीधा लाइब्रेरीज़ के अंदर जाके हम देख लेंगे इसका कोड क्या है, या फिर हम जनरल के अंदर जाके हम देख लेंगे कि जनरल में लाइब्रेरीज़ हमें वर्ड मिलती है या नहीं। तो लाइब्रेरीज़ जो जनरल लाइब्रेरीज़ है ये तो हमारा पी, हम कह सकते हैं कि ये हमारा पी है। उसके बाद ये स्पेस है हमारा जो है यूएसए, तो हम पी के हिसाब से देखेंगे कि सबसे पहले हमारा पी लगता है, इसलिए जो जनरल लाइब्रेरी का कोड होगा वो हम सबसे पहले लगा देंगे, उसके बाद हम यूएसए का कोड लगाएंगे। तो यहाँ हम टेबल के अंदर पहुँच चुके हैं, टेबल में हमने देखा यहाँ पे जनरल वर्ड लिख दिया गया है हमें, जनरल वर्ड के अंदर हम देखेंगे कि हमें लाइब्रेरीज़ वर्ड कहीं मिलता है या नहीं। तो हम नीचे जाएंगे तो हमें यहाँ लाइब्रेरीज़ वर्ड मिलता है, जिसके सामने हमें कोड मिलता है 07027, जो कि जनरल लाइब्रेरी का कोड है। इसके अलावा हम दूसरी तरीके से देखें तो यहाँ पर हम देखें तो लाइब्रेरी सीधा वर्ड दिया गया है, एल पे हम गए तो यहाँ पे हमें कोड 027 सीधा सीधा दे दिया गया है, यानी कि कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा 027 दे दिया। अब हम सेकंड टेबल में जाएंगे, ये हमारी सेकंड टेबल है, यहाँ पे 027 जो है हमें दे दिया गया है, 027 जनरल लाइब्रेरीज़ का कोड जो है वो हमें दे दिया गया है। इसके अंदर हम देखें तो यहाँ पे हमें काफ़ी चीज़ें कुछ मिलती हैं, हमें यहाँ मिलता है स्टैंडर्ड सब डिविजन्स का कोड, अगर हम आपको लगाना है तो 1 से 8 तक अगर आप लगाओगे तो वहाँ पे आपको 2 जीरो लगानी है, 001। उसके बाद अगर हिस्टोरिकल ट्रीटमेंट है तो भी आपको 09 लगाना है, 009। लेकिन नीचे अगर हम देखें तो हमें दिया गया है कि 01 से 09 जियोग्राफिकल ट्रीटमेंट, अगर जियोग्राफिकल एरिया से हमें कोई भी कोड लेना है तो उसको हम, उसके लिए हम बेस नंबर लगाएंगे, यहाँ बेस नंबर दिया गया है, बेस नंबर लगाएंगे 027.0, यानी कि 027 तो हमारा जनरल जो हमारा मेन जो कोड हो गया वो हो गया जनरल लाइब्रेरीज़ का। उसके बाद जो डॉट लगा के 0 है ये बेस नंबर हमें इसलिए लेना है क्योंकि हमें एरिया से कोई कोड लेना है। नीचे एग्जांपल दिया गया लाइब्रेरीज इन फ्रेंच, यानी कि उसका कोड दे दिया गया 027.0। उसके बाद 44 जो है वो फ्रेंच का कोड दे दिया गया, बेस नंबर हमें 027.0 लगाना है। उसके बाद हम यहाँ आ चुके हैं, कहाँ आ गए हैं, हमारा जो यूनाइटेड स्टेट है 73 पर हमें यूएसए दे दिया गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसका कोड हमें 73 दिया गया है, 73 जो है हम लगा देंगे। यहाँ हम टाइटल में 027.0 तो लगा दिया है जनरल लाइब्रेरीज़ का बेस नंबर, उसके बाद हम 73 जो है हमारा यूएसए का कोड लगा देंगे, एक्चुअली ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद हम अगला टाइटल कर लेते हैं, कैंसर डिजीज़ इन
रोमानिया, यानी कि कैंसर डिजीज़ इन रोमानिया का मतलब है कि यहाँ पे रोमानिया के अंदर कैंसर की बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो रोमानिया, ये हमारा एरिया हो गया, कैंसर डिजीज़ है वो एक बीमारी हो गई, यानी कि ये मेडिकल साइंस से रिलेटेड एक सब्जेक्ट हो गया। डिजीज़ क्योंकि बीमारी होती है तो ये मेडिकल के अंदर ही आएंगी, मेडिकल साइंस के अंदर। और कैंसर भी एक बीमारी होती है, उस तरह से देखें तो डिजीज़ का मतलब बीमारी है और कैंसर भी एक बीमारी है। तो हम इसको क्या करेंगे कि मेडिकल साइंस के चैप्टर में से देखेंगे कि हमें इसका कोड कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है। उसके लिए हम सीधा कैंसर में जाएंगे कि कैंसर के अंदर हमें किस तरह की कोई डिजीज़ मिलती है, मतलब कि कैंसर का कोड हमें क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता, उसके अंदर हम जाके देखेंगे हमें कोड कैसे लगाना है या कोई इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं या नहीं। तो यहाँ हम कैंसर के अंदर पहुँच चुके हैं। जैसे हम देखें यहाँ कैंसर वर्ड दिया गया है हमें, कैंसर के आगे हमें दिया गया है कि कैंसर सी मलिग्नेंट नियोप्लाज्म, यानी कि आपको अगर कैंसर वर्ड से रिलेटेड कोई चीज़ चाहिए या कैंसर का कोड चाहिए तो इसके लिए आपको इस वर्ड के अंदर जाना होगा, मेलिग्नेंट नियोप्लाज्मेंट के अंदर आपको जाके उसका कोड लेके आना होगा। वहाँ से जो कोड मिलेगा वो हम कोड लेके आएंगे। इसके बाद यहाँ पे हम उस वर्ड के अंदर पहुँच चुके हैं मलिग्नेंट के अंदर, ऊपर ऊपर मलिग्नेंट दिया गया है, उसके अंदर हम देखें तो हमें नीचे नियोप्लाजम्स दिया गया है। यहाँ पर हम देखें तो हमें कैंसर तो कहीं वर्ड नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे हमें कैंसर से रिलेटेड एक वर्ड मिलता है, जनरल मेडिकल। यहाँ मेडिकल भी हो सकता है ये मेडिसिन भी हो सकता है, दोनों की तरह से देखें तो हमारा ये है कैंसर के अंदर, ये कहें कि डिजीज़ के अंदर आ सकता है, कोई भी बीमारी जो है वो मेडिकल के अंदर आती है और उसके लिए मेडिसिन की ज़रूरत होती है। यहाँ हम नीचे देखें तो हमें डेथ दिया गया, स्टैटिक्स दिया गया, पब्लिक हेल्थ दिया गया, लेकिन कैंसर से रिलेटेड या मेडिसिन से या बीमारी से रिलेटेड कोई वर्ड नहीं दिया गया। तो यहाँ हम जनरल मेडिकल का ही वर्ड देखेंगे, कोड देखेंगे। यहाँ पे कोड हमें दिया गया 616.994। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे सेकंड वॉल्यूम में जाएंगे कि वहाँ पे हमें इसके बारे में, यानी कि कैंसर के बारे में कुछ दिया है या नहीं दिया गया। तो सबसे पहले हम ऊपर से पेज नंबर देखेंगे सेकंड वॉल्यूम में 616, बाद में नंबर देखेंगे 994.994। यहाँ हम सेकंड वॉल्यूम में आ चुके हैं, यहाँ पे 616 नंबर पेज पे आ चुके हैं। यहाँ पे हमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, कुछ निर्देश दिए गए हैं। क्या निर्देश दिए गए हैं वो हम आगे देखते हैं, नीचे इसके थोड़ा नीचे जाएंगे। सबसे पहले 616 पे डिजीज़ दे दिया गया, उसके बाद 001 से 008 पर हमें बताया गया कि स्टैंडर्ड सब डिवीजन से आप कोड लेंगे तो आपको 001 से 008 लगाना है, यानी कि वहाँ पे आपको कोड मिलेगा 01, लेकिन आपको 01 ना लगा के 001 लगाना है। ये मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि आपको कहीं जगहों पे निर्देश दिया जा सकता है कि आपको एक से ज़्यादा जीरो लगानी है, यानी कि 2 या 3 जीरो लगानी है या इससे ज़्यादा जीरो लगानी है। यहाँ पे आपको 2 जीरो लगानी होगी स्टैंडर्ड सब डिवीज़न में से कोड लेना है तो। लेकिन हम नीचे देखें तो यहाँ पे हमें दिया गया है 009 पे दिया गया है हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल ट्रीटमेंट वर्ड दिया गया, यानी कि हिस्ट्री से या जियोग्राफी से रिलेटेड अगर आपकी कोई बीमारी आ जाती है, यानी कि डिजीज़ आ जाती है, तो आपको क्या करना है, 009 लगाना है पहले आपको कोड, उसके बाद अगर उसके साथ डिजीज़ के साथ कोई वर्ड दिया गया है तो उसका कोड लगाना है। तो सबसे पहले तो हम 616 लगा देंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि कैंसर का क्या वर्ड है वो हम देखेंगे इसके अंदर, उसके बाद हम 009 लगाएंगे, और 009 लगाने के बाद ही हमें जो जियोग्राफिकल यानी कि एरिया के टेबल में से जो कोड दिया गया है वो कोड हम एज इट इज़ लगा देंगे, वैसे का वैसे 009 लगाने के बाद ही लगाएंगे। अगर ये नहीं लगाते हैं तो हमारा जो आंसर है वो गलत भी हो जाएगा, गलत कर देंगे एग्ज़ामिनर जो होंगे एग्ज़ाम के अंदर। तो इसके लिए हम वापस अब 616 के नीचे चलते हैं .994 पर। यहाँ .994 पर आ गए हम मलिग्नेंट ओनियोप्लाज्म। यहाँ पे हम देखें तो कैंसर वर्ड हमें जो है ब्रैकेट के अंदर दिया गया, नीचे कहीं जाने की ज़रूरत है ही नहीं, हमें कैंसर सीधा वर्ड दे दिया गया, यानी कि ये वर्ड हमें अगर मिल जाए कैंसर वर्ड या मलिग्नेंट नियोप्लाज्म तो हमें कोड लगा देना है 994 एज इट इज़, हमें कोड 994 लगा देना है, कहीं भी जाना नहीं है इसके अंदर डिटेल में, कहीं भी कोई भी चीज़ देखनी नहीं है, सीधा हम 616.994 लगा देंगे। उसके बाद जो हमें इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि अगर आपको जियोग्राफिकल डिवीज़न में से यानी कि एरिया की टेबल में से अगर कोड लेके आना है तो आपको 009 लगा देना है। तो उसके लिए हम अब आगे देखेंगे कि एरिया की टेबल में जाएंगे और वहाँ देखेंगे कि हमें जो एरिया का टेबल है वो कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, हमें कैसे लगाना है। यहाँ हम पहुँच चुके हैं रोमानिया के अंदर, रोमानिया का कोड जो है हमें यहाँ दे रखा है 498।
तो 498 तो हम लगा देंगे, लेकिन उससे पहले 009 ज़रूर लगाएंगे। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, अगर आप 009 नहीं लगाते हैं तो ये जो आपका आंसर है वो गलत हो जाएगा। इसके बाद हम टाइटल में पहुंच चुके हैं। टाइटल में हमें कैंसर डिजीज़ इन रोमानिया दिया गया है, यहाँ पे कैंसर डिजीज़ का पहले कोड लगा देंगे 616.994। 994 लगाने के बाद हम स्पेस देके एक एक अक्षर का यहाँ लगा देंगे 009, जो कि हमें निर्देश दिया गया था हमारी बुक के अंदर। कौन सी बुक में? सेकंड नंबर बुक में दिया गया था। यहाँ पे एक हमने एक अक्षर की जगह छोड़ दी, एक डिजिट की जगह छोड़ दी और 009 लगा दिया। उसके बाद रोमानिया का कोड लगाएंगे 498। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है, 616.994 स्पेस 009 स्पेस 498। ये आंसर कंप्लीट हो गया कैंसर डिजीज इन रोमानिया का। उसके बाद हम देखें कि हमें जो है, अगर किसी कोई हमसे आंसर पूछ तो हमें आंसर कैसे बताना है, 616.994.009.498। तो ये जो हमारे चैप्टर है वो यहाँ तक ख़त्म हो गया। चैप्टर यानी कि जो हमारी टेबल है, सेकंड नंबर टेबल है, वो यहाँ पर ख़त्म हो गई है। तो ये हमारा जो है चैप्टर पूरा हो चुका है यहाँ पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको ये पसंद आई वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। यहाँ से हमने ये सारा कुछ सीख लिया कि हमें जो जापान है या एशिया, ये जो भी जगह है, वो एरिया की टेबल से हमें कैसे लेनी है, कैसे लगानी है। तो ये वीडियो अगर किसी और को भी ज़रूरत हो तो आप उसके साथ शेयर भी कर सकते हैं, ताकि उनकी हेल्प हो जाए। और आपको, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर इसकी जो हमारी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड वॉल्यूम है, उसकी जो PDF का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।